कैसे हो सब लोग? सर। एग्जाम कैसे हुए सबके? अच्छे अच्छा अच्छे कैसे? अच्छा अच्छे हुए। अभी भी एक दो लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, क्लास 9th है ना। सो सबकी आदत सर। हो गई है ऑनलाइन लेक्चर्स की। सो इस बार हम हाँ करेंगे, जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दिख रहा है? रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा होगा, ये सर, ये सर, है ना। तो ये सर दिख रहा है, उससे ये सर क्या दिख रहा है, सकते हो कि ये सर दिख रहा जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है तो उसको लेक्चर मिस हो जाता है, या कुछ पोर्शन ऑफ द लेक्चर मिस हो जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग से देख के दोबारा पढ़ सकता है ना। सो एवरी लेक्चर के बाद में, को जैसे आज लेक्चर हुआ तो कल तक मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा ग्रुप में यूट्यूब पर सेम लेक्चर की, तो तुम उसको दोबारा देख के पढ़ सकते हो। मान लो कोई चीज तुम भूल गए हो तो पढ़ सकते हो, है ना। या फिर मान लो कोई गलती से लेक्चर मिस हो जाए किसी वजह से, हालांकि लेक्चर मिस नहीं करना है ना, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब पे आराम से तुम पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लूंगा, क्लास में नहीं जाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग से पढ़ने के लिए हमें हमें आप दिखने रहे हो मुझे, आराम से बैठ के पढ़ो। हाँ बैठ जाओ, ठीक है। शर्विल आपका कैमरा ऑफ है अभी भी? अच्छा ऐसा। वो मेरे दो अकाउंट्स है ना, एक कौन है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ सो ऐसा नहीं करना है कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग से पढ़ने की आदत डाल ली, है ना। तो ऐसा नहीं होना है। लाइव लेक्चर की बात अलग होती है, लाइव लेक्चर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि लाइव लेक्चर में मैं भी कुछ भी तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारा ध्यान रहेगा, रिकॉर्डिंग में ध्यान ही नहीं बन पाता है अच्छे से, है ना। लाइव में तो क्या होगा, मैं कुछ किसी का भी नाम लेके कुछ भी पूछ सकता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में ध्यान नहीं बन पाता है मेरा, है ना। सो लाइव लेक्चर से ही पढ़ना है, रिकॉर्डिंग का ओनली यूज ये तभी करना है जब मान लो आपको कोई चीज रिविजन करनी है या फिर कोई चीज आपसे छूट गई है, ठीक है। और सब चीज फर्स्ट टाइम आपको लाइव लेक्चर में ही समझनी है, क्योंकि लाइव लेक्चर में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, डाउट आया तो, रिकॉर्डिंग से नहीं पूछ सकते हो। मुझे कुछ पूछना है तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, समझ में आया। सो अब क्लास 9th है ना, क्लास 8 तक फिर भी थोड़ा इजी था, क्लास 9th में धीरे से लेवल बढ़ेगा, ठीक है। क्लास 9th के फिजिक्स में थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, क्लास 8 की तो थ्योरेटिकल थी मैक्सिमम, न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते थे, है ना। क्लास 8 में क्या था, मैक्सिमम थ्योरी थी। अब क्लास 9th में न्यूमेरिकल से ज्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। थ्योरी भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा। सो न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे अच्छे से जब थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे से सीखोगे। सो एवरी क्लास में जो भी सिखाया जाता है उसको उसी टाइम माइंड में फिट करना है, अच्छे से समझना है कि अच्छा सर ने ऐसे सिखाया था, उसको याद रखना है हमेशा के लिए, समझ में। ऐसे नहीं कि अभी लिख लिया और सोच रहे हो कि अभी तो लिख लेता हूँ मैं, टाइम पास कर लेता हूँ अभी तो, और एग्जाम आएगा तब मैं दोबारा पढ़ूंगा, ऐसे क्यों करना है। अभी अभी ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें एग्जाम देना है, समझो उसको अच्छे से, ठीक है। कोई भी चीज छोड़ो मत, अच्छे जो भी डाउट है हाथों हाथ पूछो, और ऐसे जब तक वो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है मुझे भी आगे मत बढ़ने दो, जब तक वो टॉपिक तुम्हारे माइंड में फिट नहीं होता है, समझ में आया क्या। हाँ यस सर, तो समझ में आया कैसे पढ़ना है, लेक्चर मिस नहीं करना है सर, बिल्कुल भी, यस सारे डाउट्स सर, उसी टाइम क्लियर करने अब है ना। और रिकॉर्डिंग का यूज सिर्फ इस पर्पस के लिए करना है कि मान लो कोई अगर मान लो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर लाइट चली जाए, या फिर कोई और रीजन आ जाए जिससे लेक्चर मिस हो जाए, या कुछ पोर्शन ऑफ द लेक्चर मिस हो जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए या फिर रिविजन करने के लिए लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना है, समझ में आया। हाँ करें स्टार्ट। अच्छा इस सेशन में मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, साइड में मेरा वीडियो भी दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस सर, यस हाँ ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है ना, इसमें मैं लिखूंगा जो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, वीडियो के साथ तुम्हें समझ में भी आएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। सर, यस सर, अब देखो क्लास 9th में, यस
क्लास नाइन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या तुम्हें पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। जैसे स्कूल में तो तुम्हें पहले से पता है कि साइंस सब्जेक्ट होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, बट यहाँ पर हम फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, बायो अलग पढ़ते हैं, ताकि तुम्हें अभी से हैबिट बन जाए कि फिजिक्स में ये सब होता है, केमिस्ट्री में ये सब होता है, बायो में ये सब होता है, अभी से हैबिट बन जाए। इलेवंथ में क्यों हैबिट बनाना है ना, अभी से तुम्हें पता होना चाहिए कि फिजिक्स में ये सब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये सब हम पढ़ते हैं, बायो में ये सब हम पढ़ते हैं। समझ में आया, क्लास एट में भी तुमने अलग अलग पढ़ा है ना, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनका 9th-10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेसिक अच्छे से बन जाता है। समझ में आया, हाँ ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले एक बार सुन लो, ठीक है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर मोशन। मोशन मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल चलता है, मूव करता है, तो उस पर स्टडी करेंगे। उस चैप्टर का क्या नाम है, मोशन। समझ में आया। सेकंड हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, सॉरी सेकंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सेकंड क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके लॉज होते हैं कुछ, कि मोशन क्यों करता है, ये लॉज देते न्यूटन। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, पता है ना सबको। देन थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एवरी प्लैनेट का कितना होता है, ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। समझ में आया क्या? सर ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे एनर्जी पावर, फिफ्थ हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लूइड, एंड सिक्स्थ लास्ट पढ़ेंगे हम साउंड एंड वेव्स। समझ में आया? ये हमारा सिलेबस है क्लास 9। हो सकता है तुम्हें मोशन नहीं मिलेंगे, तो मिल जाएंगे, तो उसमें इसी सीरीज से हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह सब गिवन है, जैसे 8th क्लास में भी होती थी। 8th क्लास में न्यूमेरिकल्स कम होते थे और थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, क्लास 9th में न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस कम होंगे। समझ में आया? सो हमें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा इस बार प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। क्लास 8th में थ्योरी पे ज्यादा, थ्योरी एक बार समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस इतनी करने की जरूरत नहीं होती है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चाहिए सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स तो क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको फॉर्मूला पता है तो आप इधर उधर से कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कंसेप्ट चाहिए होते हैं, थ्योरी चाहिए होती है। थ्योरी के बिना डायरेक्ट न्यूमेरिकल फिजिक्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट फिजिक्स में, उस फॉर्मूले के पीछे क्या कहानी है, क्या थ्योरी है, क्या डेरिवेशन है, ये सब आना चाहिए। समझ में आया? हाँ यस सर। तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, आज नहीं शुरू करेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि फिजिक्स समझने के लिए क्या क्या बेसिक तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, वो हम आज देखेंगे। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। तो टॉपिक लिखो बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम मैथमेटिक्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, थोड़े से बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह देखेंगे, उसके बाद ये सब क्लियर होने के बाद ही फिर हम क्लास 9 के चैप्टर शुरू करेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, कौन बताएगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, एनीवन, कोई तो बताओ, अच्छे से पढ़ी हुई है सबने। कोई नहीं बताएगा फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा कैसे हो सकता है, भूल गए वेकेशंस में तुम सब। फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ के सबसे पहले तो बताओ। हाँ काव्या बोलो।
फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ क्यों रहे? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ही तो पढ़ते हैं फिजिक्स में हम क्या? जैसे क्लास एट्थ में तुमने क्या क्या पढ़ा था? कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी क्लास एट्थ में, याद है किसी को? जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब पढ़ा था? स्पीड है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। यस सर। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, याद है क्लास एट्थ में? ये सब क्या है? यस सर। यस सर। पहले पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखो हर वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक 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 वायर है मेरे पास, इसकी लेंथ मेजर करो, तो वो लेंथ क्या है? लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से चल के वहां पहुंच गया, तो उसकी डिस्टेंस मेजर करो, डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, तो ये सब क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? लेंथ दे सकते हैं? यस सर। लिख लो। यस सर। Just for example, length and mass. हाँ, example भी लिखेंगे। Class 9th में भी हम बहुत सारी physical quantities पढ़ेंगे, ठीक है? For example, mass, length, time, distance, displacement, velocity, acceleration, force, ये सब हमने पढ़ा था, है ना? ये सब क्या है? Physical quantities है कि नहीं है? Etc. ठीक है, ये सब क्या है? Physical quantities है। अब इनका measurement करते हैं, तो measurement में क्या क्या होता है? मेजरमेंट में क्या क्या होता है? तो नेक्स्ट लिखो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। For example, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने मास मेजर किया, मास आया 5 kg। कितना आया? 5 kg। तो ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? क्वांटिटी। हाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। सर, न्यूमेरिकल क्वांटिटी। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये किलोग्राम क्या है? यूनिट। किलोग्राम क्या है? यूनिट। यूनिट है। इसे मालूम यूनिट है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की मैंने, लेंथ आई 15 cm। तो इसमें 15 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। यूनिट। एनी फिजिकल क्वांटिटीज, एनी एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एज, सभी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कर सकते हैं एज
क्यू इक्वल टू एन यू, इसमें एन क्या है? व्हाट इज एन? न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू. यू क्या है? यूनिट. यूनिट. और क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. वैल्यू. अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. यू है यूनिट और क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. यस, समझ में आया? आया समझ में सबको? यस सर. लिखो. यस सर. लिख लो. समझ समझ के लिखो पूरा. हो गया? यस सर. यस सर. यस सर. हटा दूं सर? सर एक मिनट. अब देखो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. अब देखो ये जो यूनिट होती है इसके भी अलग अलग सिस्टम होते हैं. जैसे 5 किलोग्राम को मैं 5000 ग्राम भी बोल सकता हूँ ना. अगर यूनिट छोटी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाती है. जैसे ग्राम इज स्मॉलर यूनिट, तो इसके साथ अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगी. समझ में आया क्या? यस सर. तो अब ये ग्राम किलोग्राम ये सब अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. तो किसी सिस्टम में हम मास यूनिट किलोग्राम लेते हैं, किसी में ग्राम लेते हैं. समझ में आया? तो समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं बताओ? कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं? नाम बताओ सिस्टम्स के. भूल गए क्या? एम के एस सी जी एस एफ पी एस. हाँ, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब सबको आना चाहिए क्योंकि ठीक है.
MKS. हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिस्टम, यहाँ पर तीन बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, लेंथ मास टाइम. टाइम फर्स्ट वन इज MKS सिस्टम. MKS में MKS की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है. मीटर किलो किलोग्राम मीटर सेकंड. तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर. हाँ MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम. किलोग्राम किलोग्राम शॉर्ट बोलते हैं केजी. टाइम की होती है सेकंड. सेकंड समझ में आया क्या, समझ में आया. यस सर. सीजे सिस्टम में यस सर सेंटीमीटर. हाँ तो लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर. जी फोर ग्राम पाउंड ग्राम एंड सेकंड. समझ में आया, शॉर्ट में यूनिट्स लिख रहा हूँ. देन एफ यस सर एफ फोर फुट फुट है ना, लेंथ की यूनिट फुट. एफपीएस सिस्टम होती है फुट, जैसे हमारी हाइट वगैरह हम फुट में बताते हैं है ना. यस सर हाइट इज आल्सो लेंथ. यस सर पी फोर पाउंड पाउंड पाउंड. एस फोर सेकंड. समझ में आया. यस सर अब देखो ये तीन सिस्टम जनरली पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते थे, हर कंट्री अपने हिसाब से यूज करता था कोई सा भी एक सिस्टम. ठीक है तो उससे क्या हुआ, जब अलग अलग कंट्री ने अलग अलग सिस्टम यूज किए तो जब इनके बीच में कुछ भी काम होता था तो बहुत प्रॉब्लम्स होती. ठीक है तो बाद में एक और सिस्टम आया जो पूरा वर्ल्ड एक ही वो सिस्टम अब फॉलो करता है, उस सिस्टम का क्या नाम है. एसआई यूनिट. एसआई एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम और एसआई सिस्टम की यूनिट्स को बोलते हैं एसआई यूनिट्स. ठीक है तो एसआई सिस्टम ने क्या yes, बनाई या फिर पुरानी किसी सिस्टम की यूनिट्स को अडॉप्ट कर लिया. सर एमकेएस को सर एमकेएस को बनाई गई है सर. एमकेएस एमकेएस वाली यूनिट्स इसने ले ली और अब ये एसआई यूनिट फॉलो करता है, इस सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है सर. मीटर. सर मीटर. मास की मीटर. किलोग्राम. टाइम किलोग्राम. किलोग्राम एक और सेकंड. समझ में आया सबको. यस सर. तो लिख लो, वैसे सबको पता होगा एसआई सिस्टम में टोटल कितनी क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है. सेवन याद है सबको. उनमें से तीन तो यहाँ लिख दी हमने, बाकी चार कौन कौन सी होती है. टेम्परेचर. ठीक है टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है. केल्विन. देन इलेक्ट्रिक करंट. सर चार्ज का एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. देन कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके क्या होती है मोल. एंड देन लास्ट इंटेंसिटी इसकी क्या होती है कैंडेला. पता है ना सबको. यस सर आप लिख सकते हो. लिख लो. सर अभी जो आपने बोला सर आप लिख सकते हैं क्या कैंडेला टेम्परेचर वाला. क्या सर हम लोग कंप्लीट. सर वो अभी जो आपने बोला ना टेम्परेचर का केल्विन वो सब लिख सकते हो. हाँ सर वो आप लिख सकते हैं क्या. वो भी लिख सकते. टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट. कैसा यूनिट होती है एम्पियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। एंड लास्ट क्या बचा? इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी होती है कैंडल। सर मोल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एमओएल, सेम ही रहता है क्या? मोल का एमओएल होता है, मोल का एमओएल होता है शॉर्ट में। लिख लिया? लिख लिया। हटा दूं? यस सर। अब देखो इसके अलावा तुम्हें और क्या क्या समझ याद होना चाहिए सबको। एसआई प्रीफिक्स भी सबको आना चाहिए। एसआई प्रीफिक्स क्या होता है वो देखते हैं। इसकी टेबल बनाएंगे हम। सबने लिख लिया था ना? हाँ सर। एसआई प्रीफिक्स जैसे तुमने पढ़ा होगा पहले भी, माइक्रो, किलो, मिली, मेगा, ये सब होते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं। तो ये होते हैं एसआई यूनिट्स के आगे लगने वाले प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मीटर के आगे किलो, मीटर के आगे मिली, ग्राम के आगे किलो, ग्राम के आगे मिली। समझ में आया? सेंटी, मीटर के आगे सेंटी। तो ये सब क्या है? प्रीफिक्स। इनकी कुछ वैल्यू होती है। समझ में आया? वो टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा पावर ऑफ 10, 10 की पावर में होता है, ठीक है। और यहाँ सिंबल, यहाँ वो प्रीफिक्स का नाम। जैसे मैं बड़ी पावर्स में देखता हूँ 10^12, ये होता है टेरा, कैपिटल टी बोलते हैं, टीबी, टेराबाइट, है ना? हार्ड डिस्क आती है ना 1 TB, 2 TB, तो टेरा मतलब 10^12। टीबी मतलब 10^12 बाइट्स, एक टीबी में 10^12 बाइट्स होते हैं। देन 9, ये होता है गीगा, सिंबल होता है जी, गीगाबाइट्स, जीबी में। जैसे मूवीज की जो साइज होती है जीबी में होती है, 1 GB, 2 GB, है ना? ठीक है, जो वीडियो बनाते हैं वो जीबीज में होते हैं, ठीक है। देन 10^6 मेगा, कैपिटल एम, जैसे मेगाबाइट, एम भी सुना होगा आपने, फोटो की साइज होती है 2 MB, 3 MB, 10 MB, 20 MB। तो यस सर, एम क्या होता है? मेगा, है ना? ये जरूरी नहीं सिर्फ बाइट्स के, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम इसको। मेगा मीटर, मेगा ग्राम, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको। मेगा मतलब 10^6, तो मेगा मीटर मतलब 10^6 मीटर। समझ में आया? यस सर। ये होता है किलो, ठीक है। देन ये तो पॉजिटिव पावर, ये सारी याद रखनी। देन नेगेटिव है 10^-2 सेंटी, जो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना, ठीक है। सिंबल होता है स्मॉल सी, 10^-3 मिली, सिंबल होता है स्मॉल एम। मेगा का होता है कैपिटल एम,
मेगा का क्या होता है, अगर कैपिटल एम लिखा है मतलब मेगा है वो, और स्मॉल एम लिखा है मतलब मिली। ये होता है माइक्रो म्यू, टेंस पावर माइनस नाइन। ये होता है नैनो स्मॉल एन, और लास्ट याद रखो लो टेंस पावर माइनस ट्वेल्व पीको स्मॉल पी। और भी होता है टेंस पावर माइनस फिफ्टीन जैसे फेमटो है ना। यस सर, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कन्वर्ट करके बताओ मुझे 250 ग्राम को किलोग्राम में बताओ, सबसे इजी पूछ रहा हूँ ये। सर डन। 2.5 किलोग्राम। क्या 2.5 किलोग्राम सर, कहना है इसे सर, कहना है इसे 0.5 किलोग्राम 0.25 किलोग्राम। नो सर, 0.25 किलो किलोग्राम। यस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 250/1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। किलोग्राम क्या होता है? किलो मतलब 1000 होता है ना, तो ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो यूनिट बड़ी हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, और बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाते हैं तो यूनिट छोटी हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? यस सर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 किलोग्राम्स। हां 0.25 ग्राम। और बताओ मुझे, सेंटीमीटर में। सर डन। क्या आंसर आएगा? सर 25300, मतलब कि सर 25300 का मतलब होता है 1/100। सेंटी मतलब होता है 10^-2, मतलब 1/100। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो कितना आंसर आएगा? 25300 सेंटीमीटर। हाँ, यस सर। ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए सबको ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोला टू 45 मिलीग्राम को ग्राम में। सर डन। क्या आएगा? सर 0.245 ग्राम्स। यस, 0.245 ग्राम ग्राम्स। हाँ, आया समझ में? यस सर। कैसे मिली मतलब क्या होता है? 10^-3 मतलब 1/1000। तो मिलीग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे किलोग्राम में किया था मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिली क्या होता है? 10^-3 होता है ना, तो इसकी जगह 10^-3 रख दो, मतलब 1/1000 से डिवाइड कर दो 1000 से, तो क्या आएगा आंसर? 0.245 ग्राम। यस सर, लिख लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। सर डन।
कितना आएगा सर? डन। क्या है आंसर? सर फाइव, सर फाइव अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आएगा, कैसा आएगा ये? किलोमीटर, किलोमीटर में 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर की जगह लिख दिया मैंने 1000 मीटर, इसकी जगह डिवाइड में आवर है। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 2-0 से 2-0 कैंसिल, ये 5 से 2 से 5 टाइम्स और 2 से 18 टाइम्स, तो कितना आया 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस सर। तो याद रखना है आपको 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? यस सर। देख लिया तो हटा देता हूं। देख लिया? यस सर। डन। यस सर, लिख लिया। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। On the basis of measurement, on the basis of measurement, on the basis of measurement, types of physical quantities. देखो, जब भी हम physical quantities को measure करते हैं तो ये दो type की होती है। कितने type की होती है? Two types. One is scalar and one is vector. क्योंकि जब हम measurement करते हैं तो किसी quantities में direction की जरूरत होती है, किसी में नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने बोला mass का measurement करो, जैसे ये pen का mass का measure करो, मान लो ये है 50 ग्राम का, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका mass है 50 ग्राम in east direction, ऐसे बोलूंगा क्या? No sir. डायरेक्शन मेजरमेंट करते वक्त डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है बताने की, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। याद है ना सबको? यस सर। यस सर। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताते वक्त डायरेक्शन की जरूरत होती है उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला फोर्स, जैसे मैंने बोला कोई मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे मैंने बोला मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो आप पूछोगे सर किधर लगा रहे हो, ऐसे पूछोगे ना, किस तरफ लगा रहे हो? फोर्स की तो डायरेक्शन होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स के मेजरमेंट में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? हाँ। यस सर। सो फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, दो टाइप की होती है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है?
those quantities which have magnitude only in their measurement are called as scalar quantity. उनको क्या बोलते हैं scalar quantity. जैसे for example क्या क्या एग्जाम्पल है इसके. मास, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. लेंथ, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती. टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं. स्पीड, स्पीड. डिस्टेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर. गुड, एटसेट्रा. है ना. देन यस सर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी. दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as directions are called as vector quantity. For example, क्या क्या example है इसके. velocity, displacement, force. Displacement, force, velocity, acceleration, etc. इन सबकी डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन के बिना इनको बता नहीं सकते हम. डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पार्टिकल किस तरफ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. वेलोसिटी तो किस तरफ पार्टिकल चल रहा है डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. फोर्स तो किस तरफ फोर्स लग रहा है डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. समझ में आया. यस सर. हाँ सर, मुझे एक डाउट है. हाँ पूछो. सर मेरा डाउट ये है कि सर की सर जो ग्रेविटी होती है. हाँ बोलो. सर तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ सकती है क्या सर. ग्रेविटी, ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स है वो. ग्रेविटी मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं. सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. यस सर. ग्रेविटी क्या है. फोर्स है एक जो अर्थ लगाती है. प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स लगाते हैं. यस है ना. सो ये क्या है. एक फोर्स. यस सर. फोर्स कौन सी क्वांटिटी है फिर. वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आया. यस सर. लिख लो सब लोग. थैंक यू सर. लिख लिया. यस सर, लिख लिया. ओके सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे. ठीक है. सो बेसिक फिजिक्स पढ़ा हमने आज पूरा. इसको रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में. है ना. यस सर. ओके सर. क्या है ना, ये सबको याद होना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स वगैरह सब कन्वर्जन करना. ठीक है. यूनिट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवीजन करके आना सब लोग. है ना. किसी को कोई डाउट है. नो सर. नो सर. गुड. समझ में आ गया सबको. यस सर. ओके ओके. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय.
बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, वेलकम।